Hello everyone, welcome to your own gardening channel. In today's video I'm going to tell you how we can grow plant and care for Ficus benedictii or Ficus mcclellandi. Ficus benedictii is a evergreen flowering plant and it is native to Asia. Scientifically it is known as Ficus benedictii, and in higher classification it is known as fig tree, and commonly it is known as long-leaf ficus tree or taller ficus tree or simply Ficus benedictii, and it belongs to the family of Moraceae. Suitable environment can make them 20 to 30 or even 40 meters in height. और इनके जो leaves हैं, अगर ये healthy grow कर रहे हो तो ये 20 to 25 centimeters तक long हो सकते हैं. फुल सनफ्लावर प्लांट भी है, पार्शियल शेड्स में आप इनको ग्रो कर सकते हैं, आप इनको आउटडोर ग्रो कर सकते हैं, आप इनको इंडोर ग्रो कर सकते हैं. ये हेल्दी ग्रो करते रहते हैं और आप इसकी जो हाइट है उसको मैनेज करके इंडोर ग्रो कर सकते हैं. बहुत खूबसूरत प्लांट्स है आपके ऑफिसेस के लिए, आपके इंडोर गार्डन के लिए. और इसके अलावा ये जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से शेयर किया कि फुल सनफ्लावर प्लांट भी है और पार्शियल शेड्स जो है उनमें भी ग्रो कर जाता है, आप इसको अपने गार्डन में भी प्लांट कर सकते हैं. और इसके अलावा और इसके लिए सॉइल मिक्स रिक्वायर्ड होती है, वेल ड्रेन्ड सैंडी लूमी सॉइल मिक्सेस जो हैं उसमें ग्रो कर सकते हैं ये. आप इनको कैक्टस मिक्स में ग्रो कर सकते हैं, आप इसको सकुलेंट मिक्स जो है उसमें ग्रो कर सकते हैं. तो ये ट्री जो है वो हेल्दी ग्रो करते रहते हैं. और इसके अलावा इसके ऊपर जो पेस्ट वगैरह हैं जो है वो रेयरली अटैक करते हैं, लेकिन इनके जो बेबी प्लांट्स हैं उनके ऊपर स्केल इंसेक्ट्स जो हैं वो अटैक कर सकते हैं. और इसके अलावा इनके ऊपर एफर्ट्स और मालीबैग्स जो हैं वो अटैक कर सकते हैं. तो जैसे मैं अपने वीडियोज़ में आप लोगों से शेयर करता हूँ कि आप कोई सा भी जो होस होल्ड आपके पास पेस्टिसाइड्स है आप इनके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, और आप सिंपली लिक्विड डिटर्जेंट और नीम ऑयल के मिक्सर का स्प्रे करें तो एफर्ट्स और मालीबैग्स जो हैं वो रिमूव हो जाते हैं. और अगर आप इनको फर्टिलाइज़ करने जा रहे हैं तो आप इनको सिंपली काउ डंग प्रोवाइड कर सकते हैं, और आप इनको कोई सी भी होस होल्ड जो आपके पास बैलेंस लिक्विड फर्टिलाइज़र है वो आप इनको इनके ग्रोइंग सीजन में प्रोवाइड कर सकते हैं. और इसके अलावा ये ट्री जो है एज ए गार्डन आप अपने गार्डन में इसको स्पेस दे सकते हैं. बहुत खूबसूरत फाइकस ट्री होता है ये. और इसके अलावा इस ट्री को जो है जैसा कि मैंने अभी आप लोगों से शेयर किया कि आप इनको फुल सन लाइट जो है उसमें भी ग्रो कर सकते हैं. बहुत टॉलर ट्री होते हैं ये. और अभी चलते हैं, मैं आप लोगों को इस प्लांट की जो है विज़िट करवाऊँगा, क्योंकि ये अभी ट्री जो है ये फुल बिगर कंटेनर जो इसके अंदर ग्रो कर रहा है, हेल्दी ग्रो कर रहा है, तो इसको आज मैं रिपोर्ट नहीं करूँगा. लेकिन इसका सॉइल मिक्स जो है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा कि कौन से सॉइल मिक्स में ये ग्रो कर रहा है. और इसके अलावा इसकी थोड़ी सी क्लीनिंग होने वाली है, इसके साथ वीड्स वगैरह जो है ग्रो कर रही हैं, तो इनको आज मैं क्लीन करने जा रहा हूँ और आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. तभी चलते हैं इस ट्री की विज़िट करते हैं और इसके बाद इसकी जो क्लीनिंग करते हैं और आप लोगों के साथ शेयर करते हैं. सो लेट्स गो. जी व्यूअर्स, ये मेरा फाइकस बेनेडिक्टी जो है उसका प्लांट है, और आप देख सकते हैं कि कितने ब्यूटीफुल लीव्स होते हैं इनके, नैरो लॉन्गेटेड लीव्स होते हैं. और जैसे कि मैंने भी आप लोगों के साथ शेयर भी किया था कि इनके लीव्स जो हैं हेल्दी ग्रो कर रहे हैं, तो 20-25 सेंटीमीटर्स तक ये लॉन्ग हो सकते हैं. और जब अपने ये न्यू लीव्स जो हैं ये प्रोड्यूस कर रहे होते हैं, और स्पेशली इन विंटर सीज़न ये अपने लीव्स जो हैं वो येलो कर लेते हैं, और इन येलो कलर में इनके जो लीव्स हैं वो और ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं. और समटाइम्स जब भी अपने न्यू लीव्स जो हैं ये प्रोड्यूस कर रहे हो तो पर्पलश ग्रीनिश कलर के जो लीव्स हैं वो भी प्रोड्यूस करते हैं, तो वो और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगते हैं. और यहाँ पे आप इनके लीव्स और इनका कलर देख सकते हैं. यहाँ पे कुछ लीव्स जो हैं वो येलो हैं, और कुछ लीव्स जो हैं वो ग्रीन हैं, कुछ लीव्स जो हैं वो वेरीगेटेड हैं. जैसा कि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें ग्रीन का टच भी है और येलो लीफ है. ये बहुत ब्यूटीफुल लीव्स होते हैं इनके, बहुत खूबसूरत ट्री है. और स्पेशली इंडोर गार्डन के लिए, अगर आप अपने इंडोर गार्डन में इस ब्यूटी को स्पेस दें तो ये आपके गार्डन को और ज़्यादा ब्यूटीफुल क्रिएट कर सकता है. और अभी चलते हैं, इनके लीव्स विज़िट कर लिए हमने. अभी इसका जो स्टेम है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ. इसका स्टेम जो है वो स्लाइटली क्रीमी ग्रीनिश कलर का, इसका ग्रेश कलर का जो स्टेम होता है इनका. और जैसे जैसे ये ट्री जो हैं वो डेवलप होते जाते हैं, अपनी मेच्योरिटी की तरफ जाते जाते हैं, तो इनके जो स्टेम होते हैं वो स्लाइटली ब्राउनिश कलर में कन्वर्ट हो जाते हैं. और यहाँ पे आप इसके जो स्टेम है वो विज़िट कर रहे हैं. और यहाँ पे कुछ वीड्स जो हैं ये ग्रो कर रही हैं, इनको मैं भी रिमूव कर दूंगा, और इसकी सॉइल मिक्स जो है इसको थोड़ा सा लूज़ करेंगे,
और आई थिंक इसमें मैं थोड़ी सी सॉइल मिक्स जो है वो और भी ऐड करूँगा, और सॉइल मिक्स जो है वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। ये जो है 16 इंचज कंटेनर के अंदर हेल्दी ग्रो कर रहा है ये ट्री, और इसलिए इसको जो है अभी नीड नहीं है रिपोर्टिंग की। तो मैं आप लोगों के साथ इसकी जो सॉइल मिक्स है वो शेयर कर देता हूँ, और यहाँ से इसकी जो क्लीनिंग करते हैं। सो लेट्स डू इट। जी व्यूअर्स, वी आर एट अवर वर्क स्टेशन नाउ, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसकी बेस के पास जो है कुछ वीड्स उग रही हैं, कुछ ड्राई लीव्स हैं इसके पास, तो इनको मैं रिमूव कर देता हूँ और इसकी क्लीनिंग करते हैं। और जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इसका सॉइल मिक्स जो है वो लेवल से काफ़ी कम है, तो इसमें मैं कुछ सॉइल मिक्स जो है वो भी ऐड कर रहा हूँ। और सबसे पहले जो इसको रिमूव कर रहे हैं सॉइल मिक्स जो है उसको स्लाइटली। जी व्यूअर्स, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये वीड जो इसके अंदर ग्रो कर रही थी उसका जो ट्रंक है, उसका जो स्टेम है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और काफ़ी बिगर है। ये काफ़ी ज़्यादा जो है वो फैल जाता है किसी भी पॉट के अंदर ये वाली वीड जो है। तो यहाँ पे इसके टू प्लांट्स जो हैं वो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों ने विज़िट किया कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्गली वो ग्रो कर रहे थे, तो अभी मैं इस प्लांट को जो है इस पॉट के अंदर से रिमूव करना चाह रहा हूँ, क्योंकि इसके जो रूट सिस्टम अभी काफ़ी डेवलप्ड है इस पॉट के अंदर। तो इसको मैं रिमूव करके तो उसके बाद इस जो वीड है इसको रिमूव करता हूँ। तो अभी मुझे इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा, तो मैं आप लोगों के साथ इसका जो सॉइल मिक्स है वो भी शेयर करता हूँ, और वीड्स जो हैं उसको भी रिमूव करते हैं। जी व्यूअर्स, ट्री जो है वो मैंने पॉट में से रिमूव कर लिया, और यहाँ से अब इसका सॉइल मिक्स जो है इसको लूज़ करते हैं और चेक करते हैं कि जो ये वीड ग्रो कर रही थी उसकी क्या कंडीशन है। और जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये वीड इसके अंदर ग्रो कर रही थी, और इसका आप रूट सिस्टम चेक कर सकते हैं, इसका ट्रंक चेक कर सकते हैं कि कितनी हैवी वीड जो थी ये एक प्लांट की शेप में ये ग्रो कर रही थी इसके अंदर। तो अभी मैंने एक वीड जो है उसका जो रूट सिस्टम है उसको रिमूव किया, अभी सेकेंड जो है उसको भी रिमूव करते हैं। जी व्यूअर्स, प्लांट जो है उसकी क्लीनिंग की जा चुकी हुई है जैसा कि आप देख सकते हैं, और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना बड़ा मार्क है इस वीड का जो यहाँ पे ग्रो कर रही थी, जिसको मैंने रिमूव कर दिया। और अगर आपके गार्डन में ये वाली वीड आपको नज़र आए तो आप इसको फौरन रिमूव कर दें, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है और काफ़ी एरिया जो है कवर कर लेती है, स्पेशली आपके जो पॉट्स हैं उनके अंदर ग्रो कर रही हो। तो आप ये देख सकते हैं कि इसकी कंडीशन क्या है और इसकी रूट सिस्टम कैसा डेवलप होता है, तो आप इसको फौरन से पहले रिमूव कर दें। जी व्यूअर्स, हमारा सॉइल मिक्स जो है वो रेडी है, सैंडीलोमी सॉइल मिक्स है, और इसके अंदर जो है स्लाइटली अमाउंट जो है मैंने मिक्स की है उसकी काउडंग की। और यहाँ पर आप पॉट देख सकते हैं, इसकी बेस के अंदर होल है, और इसको कवर करने के लिए आप गार्डन स्क्रीन यूज़ कर सकते हैं, आप कोई सा भी स्टोन जो है उसका पीस यूज़ कर सकते हैं। मैं यहाँ पे स्टोन का पीस यूज़ कर रहा हूँ, और इसके साथ जो है स्टार्टली चंक्स जो हैं वो ऐड कर रहा हूँ, ताकि हमारा स्टोन जो है वो मूव ना कर जाए। और इस पर्पज़ से ये होता है कि आपका जो वाटर है सिर्फ वो ड्रेन होता है, आपका सॉइल मैटर जो वाटर के साथ फ्लो नहीं कर जाए, इस पर्पज़ के लिए आप यहाँ पर गार्डन स्क्रीन ऐड करते हैं। और हमारा सॉइल मिक्स जो है वो रेडी है, हमारा प्लांट जो है वो भी रेडी है, तो इसको रिपोर्ट करते हैं।
जी व्यूवर्स, हमारा फैकस जो है वो रिपोर्ट हो चुका हुआ है। अभी मैं इसकी वाटरिंग कर दूंगा और इसको इंडायरेक्ट ब्राइट सन लोकेशन पे डिस्प्ले कर दूंगा ताकि ये ट्री जो है अपना फ्यूचर जो है वो डेवलप कर सके। जी व्यूवर्स, आपको मेरा वीडियो कैसा लगा इसके बारे में मुझे ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और आपने देखा कि आज मैंने इस फाइकस को जो है वो रिपोर्ट नहीं करना था, लेकिन इसके वीड और उसके जो रूट्स है उसके सिस्टम को रिमूव करने के लिए मुझे इसको रिपोर्ट करना पड़ा। और आप लोगों ने विज़िट भी कर लिया कि किस तरह हम इसको रिपोर्ट कर सकते हैं और किस तरह हम इसका सॉइल मिक्स क्रिएट कर सकते हैं। और बाकी के रिक्वायरमेंट्स जो है वो ऑलरेडी आप जान चुके हुए हैं। और इसके बावजूद कोई चीज़ मिसिंग हुई तो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप वहाँ से चेक कर सकते हैं। और इसके बावजूद आपको इसकी प्लांटेशन और उसकी केयर के रेफरेंस से कोई इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड हो तो आप मुझे कह सकते हैं। आई विल ट्राई एट माई लेवल बेस्ट कि मैं आप लोगों को रिप्लाई कर सकूँ। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।